ही अच्छा लगा और फिर सब चीज़ों बहुत जल्दी मैनेज हो गई, मतलब कुछ टाइम नहीं मिला कि कुछ अच्छे से। अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं, स्टार्टिंग एक्सपीरियंस कैसा लिया आपने और ये गाना कैसे स्टार्टिंग शुरू से मिला? चलिए आइए आइए। हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और मैं झांसी से हूँ उत्तर प्रदेश, और भाई जगम कहाँ से? जमशेदपुर से हैं। हम लोग 2014 से साथ में फ्रेंड हैं। तो एक दिन हम लोग ऐसे घूमने के लिए मरीन लाइन गए हुए थे, तो सुमित सर का आइडिया आया कि यार कुछ म्यूजिक एल्बम बनाते हैं, तो बोले फिर ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, पैसा मैं लगाता हूँ शूटिंग का, बाकी आप लगाते हैं। तो दोनों लोगों ने मिलके एक एल्बम ये बनाया है। गाना रिकॉर्ड कैसे हुआ है, सिंगर कौन है और गाने का कॉन्सेप्ट क्या है? वो सर सब इन्होंने मैनेज किया है, तो आप प्लीज सर से पूछिए। आप बताइए सर कैसे? सिंगर का एक्चुअली मैनेजमेंट तो सब संजीव जी के था, ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश पाठक जी, तो ये खास रेफरेंस है अल्टीमेट फरीदी जी, सिंगर अच्छे जिन्होंने हाउसफुल 4 में भी गाया है, अभी ड्रीम गर्ल उनकी काफी हिट हुई है, मुलाकात वाला जो सॉन्ग है उन्होंने गाया है, तो इन्होंने उनको अप्रोच किया था गाने के लिए, तो फाइनली वो आए गाना गा के गए। बाकी शूट का था, शूट था इनको एक्चुअली इंट्रोड्यूस भी करवाना था, साथ में मैंने सोचा कि बर्थडे है तो गेट टुगेदर भी हो जाएगा, बस यही। लोकेशन कहाँ कहाँ? लोकेशन सर सब मरोली फिल्म सिटी, मरोली फिल्म सिटी में पूरा शूट किया गया है, यहाँ बॉम्बे का कोई शेड्यूल हम लोगों ने लगाया नहीं। ऐसा कैसे प्लान हुआ कब आपने ये आया? प्लान तो एक्चुअली मुझे एक सॉन्ग तो करना ही था, तो मैं सोच ही रहा था, लेकिन क्या था कि मुझे थोड़ा बड़े तौर पे करना था अच्छे बजट का, तो मैंने इसलिए होल्ड कर दिया। थोड़ा फाइनेंस का दिक्कत था, जो अवेलेबल फाइनेंस था मेरे पास उससे भी थोड़ा बजट भाग रहा था, तो फिर बीच में नायक जी से मेरी बात हुई, तो ये बोले कि मुझे भी एक्चुअली एज ए इंट्रोड्यूस होना है सॉन्ग के थ्रू, तो आप बताओ कुछ अगर आपके पास है। तो मैंने इनसे बात की, तो इन्होंने कुछ फंड लगाया, बाकी फिर जो भी फंड था मैंने लगा। हाँ जी, डायरेक्टर आपने किस डायरेक्शन? डायरेक्शन बेसिकली आई एम अ फिल्म एडिटर, मैंने फिल्म एडिट करता हूँ और बहुत सारी फिल्म एसोसिएट भी किया, एसोसिएट एडिटर मैं था। तो अभी मैं जैन में ही छोड़ा हूँ, जैन फेब में छोड़ा, उसमें सूर्यवंशी के शूट चल रहा था बैंकॉक में फाइट सीक्वेंस उनका, तो उस समय मैंने ड्रॉप करके इंडिविजुअली मुझे अपना कुछ करना था, और ये डायरेक्शन मेरा पहला है। और दूसरी बात, मैं बहुत खास बंदे का नाम लेना चाहता हूँ, विवेक चौहान जी जो वहाँ बैठे हुए चश्मे में, वो भी एक्चुअली डायरेक्टर है, अभी उन्होंने वेब सीरीज किया है 7-8, और उनका काम और पूरा पोस्ट का काम मैं ही अपने अंडर एज अ हेड संभालता हूँ। और दूसरा संजीत कुमार जी, इनका पूरा मैनेजमेंट मीडिया से लेके जो कुछ अभी तक यहाँ पे हो रहा है, लोकेशन से लेके जितना भी जो भी था वो संजीत सर, एक बार आपके लिए जोरदार तालियों से संजीत कुमार जी के लिए। रिलीजिंग का सर अभी देखिए, हालांकि गाना बहुत बड़ा हमने शूट किया, तो पोस्ट का ही अभी काम काफी लंबा जा रहा है, छोटा होता तो 10 दिन में हम आउट कर देते हैं, तो अभी पोस्ट पे अभी काफी चीजें प्रोसेस होंगी, एडिट होगा, एडिट में कम से कम 1 वीक का टाइम जाएगा, फिर DI होगा, फिर तो अभी काफी हम जन फेब लास्ट तक देख रहे हैं। हाँ जी, रिलीज के लिए बड़ी कंपनी जी म्यूजिक या T3 से बात चल रही है, अल्टीमेट जी से बात हो गई हमारी, बस उन्होंने बोला एक बार कंटेंट तैयार हो जाए, तो अभी कंटेंट थोड़ा डिले हो रहा है। और दूसरा, मैं एक और खास बंदे से आपकी मुलाकात करना चाहता हूँ, विवेकानंद सिंह जी मेरे बचपन के दोस्त, अभी वहाँ बैठे हुए हैं, ये मेरे बहुत खास बचपन के दोस्त हैं। मेरे बारे में सर मैंने बता दिया ना, अब एक्ट्रेस जी, आप ये पहला सॉन्ग है कि आपने इससे पहले कुछ किया, अपने बारे में पहले बताइए। मैं लखनऊ से हूँ, मेरा नाम अमिता सिंह है, और इससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा काम तो नहीं किया है, छोटे मोटे काम किए हैं, साउथ की फिल्म भी करी है, एज एन लीड नहीं किया है बट एज एन आर्टिस्ट मैंने TV के लिए भी किया है। प्रिंट से शुरुआत की थी मैंने आज से 3 साल पहले, तो मैं प्रिंट में थी, और अगर बात करें कि इतना बड़ा म्यूजिक वीडियो, फर्स्ट मेरा म्यूजिक वीडियो था, बाकी मैं करती रहती थी, यूट्यूब के लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस किए हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ, सर के साथ? काफ़ी मंजे हुए कलाकार हैं, बहुत सारे। अच्छा था एक्सपीरियंस, और सुमित को मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, 1 साल से जानती हूँ, तो सुमित ने ही ये गाने के लिए बोला था मुझे, तो अच्छा था एक्सपीरियंस, अच्छा था। सर आप बताइए कि एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो क्या कि हम लोग, मैं बहुत साल 2013 से इस फिल्म लाइन में हूँ, काफ़ी TV सीरियल वगैरह किए हुए हैं, तो लगातार काम चलते ही रहता, तो एक्टिंग का तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। और फिर क्या होता है कि सेट पे जो एक माहौल होता है फ्रेंड्स का, कोई भी बाहर का नहीं था, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एसोसिएट डायरेक्टर सभी फ्रेंड थे, तो एक मौज मस्ती में सब अच्छे से शूट हो गया।
ना कोई प्रॉब्लम हुई, सभी ने अपना अपना जो काम था 100% पूरी ईमानदारी से किया। मतलब किसी ने ये नहीं सोचा कि नहीं मुझे बोला जाए, उसको लगा ये काम करना है वो अच्छे से कर दिया। ये टाइटल की बात है तेरा इंतजार, तो आप में से कौन किसका? एक्चुअली इसमें एक हमारी एक और आर्टिस्ट है, वो अभी केरला में शूट कर रही है, पूनम। तो उनका शेड्यूल नहीं था, वो यहाँ पे नहीं आ पाई, तो उनके साथ में। तो इसमें क्या होता है कि एक लड़का रहता है, लव ट्रायंगल, ट्रायंगल टाइप का है, हाँ। तो उस चक्कर में पूरा ये है सॉन्ग। इसमें कुछ जिससे वो लड़का, एक शेर में इस लाइन को बताना चाहूँगा कि जिसको हमने चाहा उसे हम पा ना सके, जिसने हमें चाहा उसको हम चाह ना सके, दिल टूटने का खेल था किसी का टूटा और अपना बचा ना सके। पूरा थीम इसी के ऊपर है। हो भी सकता है क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा कमीने टाइप का रहा हूँ, तो ऐसा चलता रहता है। नहीं नहीं, इसमें वो इमोशनल ऐसा है, इसमें है वो, क्योंकि जो मैम है उनका ऐसा कुछ हमारे प्रति नहीं है, हम लोग सिर्फ फ्रेंड टाइप के रहते हैं। गाने का मतलब क्या है? वो रोमांटिक है? हाँ, रोमांटिक सॉन्ग, रोमांटिक सैड सॉन्ग। मैं एक दो जगह नाम लेना छूट गया, सॉरी फॉर ये। नाम सर, नाम शुरू करेंगे, पहले अपना नाम बताइए और आप कैसे इस प्रोजेक्ट से जुड़े, कैसे एक्सपीरियंस रहा? मेरा नाम अविनाश पाठक है, मैं म्यूज़िक कंपोज़र हूँ, और संजीत जी मेरे दोस्त हैं, उनके साथ और भी काफ़ी प्रोजेक्ट में कर चुका हूँ। तो उनका फ़ोन आया कि गाना करना है, मेरे फ्रेंड हैं प्रिया शरण जी। तो बस ऐसे जब दोस्तों की बात आती है तो एक्चुअली प्रोफेशनल बात होती ही नहीं है, फिर ऐसा लगता है कि बस काम स्टार्ट करना है ना। तो प्रिया शरण जी भी मुझसे मिले और काफ़ी खुश हुए। हम लोग श्री जी में मिले फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने कहा बस शुरू करते हैं और एक अच्छा गाना बनाना है सेट टाइप का। तो बस ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब संजीत जी ने कहा कि अविनाश जी म्यूज़िक करते हैं, तो इनने कुछ नहीं सुना और कहा बस शुरू करते हैं। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि नहीं नहीं आप सुनाइए, आप कैसा करते हैं, क्या करते हैं, ये है वो है। तो बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ते गए। फिर सिंगर अल्तमश फरीदी और राइटर कामेश शुक्ला जी और सुमित जी डायरेक्शन में, और नयन मनी बर्मन जी ने म्यूज़िक प्रोडक्शन, और उमेश यादव जी साउंड इंजीनियर। तो ऐसे सभी लोग जुड़ते गए और बस गाना तैयार। तो गाना तैयार हुआ तो कैसा लगा आपको? खास करके म्यूजिक की बहुत अहमियत होती है, कोई राइटर अच्छा गाना लिखता है। एक्चुअली इस गाने में दो राइटर हैं, एक और नाम बताइए। सुमित भाई, सुमित जी तो उन्होंने गाना किया आधा, और वो एक्चुअली बाहर हैं, तो मुझे थोड़ी सी ऐसा मुझे लगा कि कोई तो होना चाहिए, मतलब लिरिक्स राइटर साथ में होता है तो मज़ा आता है, कुछ चेंजेस होती है या डायरेक्शन टीम की तरफ से कुछ होता है, तो फिर मुझे लगा कोई ऐसा होना चाहिए। तो कामेश जी मेरे साथ काफ़ी काम कर चुके हैं, कामेश शुक्ला जी, तो फिर मैंने प्रिया शरण जी ने मुझसे बोला कि अगर कोई हो अच्छा राइटर तो आप बताइए। तो मैंने कहा कामेश जी हैं, तो इन्होंने बाकी का आधा काम इन्होंने किया, तो दोनों राइटर ने बहुत अच्छा काम किया है और सारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। आज के टाइम का जो यूथ है वो अलग सुनता है, तो ये कितना अलग गाना है यूथ को मिलता है? देखिए अलग तो होना ही चाहिए, और सबसे बड़ी अहम बात ये होती है कि गाना मैं अपनी मर्जी से नहीं बनाता हूँ, कभी भी मैं अपनी मर्जी से गाना नहीं बनाता हूँ। जो प्रोडक्शन होता है, डायरेक्शन टीम होती है, प्रोड्यूसर होता है, आर्टिस्ट होता है, उनकी एक थीम होती है और वो हमेशा ये चीज़ को लेके चलते हैं कि मुझे सैड गाना बनाना है, लिरिक्स कैसा होगा, गाना रोमांटिक होगा या सैड होगा, लिरिक्स कैसा जाएगा, म्यूज़िक कैसा होगा, तो ये डिसाइडेड होता है पहले से ही, उनके माइंड में एक सेटअप होता है। तो उस तरीके से उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा गाना बनाना है, तो उस तरीके से हम लोग आगे बढ़े। सर आप बताइए नाम अपना और गाने से आप जुड़े हैं एज ए राइटर, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा टीम के साथ? देखिए मेरा नाम कामेश्वर शुक्ला है और अविनाश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हम लोगों ने शुरू से, जब मैं मुंबई आया था तो शुरुआत हमारी अविनाश जी से हुई थी, बहुत कोऑपरेट किया था इन लोगों ने, बहुत सारे गाने हमने इनके साथ किए। तो अविनाश जी को कॉन्फिडेंस था हम पे कि, और वैसे भी हमेशा हम ही को रिकमेंड करते हैं लगभग, जब भी कोई टफ लिरिक्स की बात आती है तो ये हम ही को सजेस्ट करते हैं।
जो सर ने काम भी बहुत अच्छा किया। तो अब फर्स्ट पार्ट जो था गाने का, मुखड़ा और एक अंतरा, वो किसी और ने पहले किया था कि सर के राइटर गाने की कोशिश दो लाइन गाने की दो लाइन क्या पूरा गाना ही पढ़ा जा सकता है? सिर्फ दो लाइन देता हूँ, मुझे निकालना पड़ेगा। कितनी उम्मीद है आपको इस गाने से? सर देखिए, उम्मीद तो 110% होती है हर किसी को अपने काम से। अब ऑडियंस हमें क्या रिस्पांस देती है ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है। एज राइटर आप सेटिस्फाई हैं? अच्छा गाना है। बिल्कुल, एज राइटर हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं और हमें बिल्कुल आशा है कि वो गाना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, सारे लोगों को जो टीम से जुड़े हुए हैं इनको पहचान देगा। और सेकेंड पार्ट उसका मेरा लिखा हुआ है जो लव पार्ट है। सर आप कैसे जुड़े हैं? यस हाय, दिस इज बलजीत राजपूत और ये एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर मेरा फर्स्ट सॉन्ग है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं इवनिंग वॉक पे जा रहा था तो जगे सर मुझे मिले वहाँ पे, तो उन्होंने बोला यार आज हमने एक गाना डिस्कस किया। तो एक्चुअली आई रियली शॉक दैट टाइम बिकॉज कि आई डोंट नो, तो यार गाना कर रहे हो और आई एम टोटली कन्फ्यूज। तो फिर वो इन्होंने डिस्कस किया मेरे साथ कि अरे बलजीत ऐसा ऐसा है ऐसा ऐसा। तो क्रिएटिविटी माइंड बचपन से ही था, वैसे घर वाले कहते थे, तो मैंने कहा कि चलो आज यूज़ कर लेते हैं इसका। तो वैसे ही डिस्कस हुआ इनके साथ, फिर हम 2 घंटे तक इस पर बैठे, थोड़ा वर्क किया इस पर क्योंकि बिना वर्क के कोई चीज़ होती नहीं है। तो 2 घंटे वर्क किया, फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है 2 दिन के बाद शूट करते हैं। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा कंफ्यूज था, इतने कम समय में कैसे हो पाएगा। तो एक जो टीम वर्क होता है सबसे बड़ी चीज़ वो होती है, तो सब ने ऐसे एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड ऑल दैट, एक उनका टीम वर्क था, इसी वजह से हम जितना भी जो हमारा वर्क है कम समय में ज़्यादा वर्क हुआ हमारा, तो वो सबसे अच्छी चीज़ लगी। तो एक यही मेरा एक जो है टर्निंग पॉइंट था वहाँ का, कि सडनली इवनिंग वॉक करने जा रहा था और सडनली मुझे मिल गए और डिस्कस हुआ एंड देन कैरी ऑन। गाना कैसा लगा? हाँ ऑफ देखा है गाना। तो देखो हर कोई इंसान अपनी चीज़ को अच्छा ही बोलता है, और मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा, अगर मैं यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर दूंगा तो वो सस्पेंस नहीं रहेगा, फिर आप ऑडियंस क्या बताएगी, क्या रिस्पांस देगी वो हम नहीं बता सकते हैं। बाकी हम ऑफकोर्स जिसकी चीज़ होती है वो अच्छा ही बोलता है, बुरा कोई बोलता नहीं है। तो आप देख लीजिए कैसा गाना है, बहुत अच्छा रहा। इनको एक्चुअली मैं जानता नहीं था, जगेश जी के थ्रू ही मिला था इनसे मैं। तो जब हम जा रहे थे, ऑन दी वे थे या यहाँ से जा रहे थे, शूट लोकेशन पे जा रहे थे, तो वो जस्ट हेलो हाय इंट्रो हुआ, मुझे लगा ईगो स्टिक है यार। फिर मैंने सोचा यार नहीं यार बंदे के साथ कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो धीरे धीरे जब इनके साथ अच्छी बॉन्डिंग होती रही, शूट पे 1-2 दिन ठहरे हम वहाँ पे, तो अच्छा ऐसा अंडरस्टैंडिंग ऐसा लगा कि यार देयर इज नो एटीट्यूड एंड ईगो। तो काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ सीखने को मिली और एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा लगा मुझे। सर आप प्रमोशन संभाल रहे हैं, कैसे जुड़े इस टीम से, कुछ बताइए और कितना मेहनत करने वाले हैं आगे? मेरा नाम संजीत कुमार है, मैं बिहार से रहने वाला हूँ और इसके पहले मैं सुमित से काफ़ी प्रोजेक्ट पे हमने काम किया है, साथ में प्रोजेक्ट किया है। सुमित जैसे कि बताया आपको कि पहले एडिटर थे, बेसिकली मैंने भोजपुरी फिल्में बनाया, अभी तक 2-3 फिल्में बनाया, उस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए थे। सडनली आए मेरे पास कि एक एल्बम करते हैं, ऐसा ऐसा है, ये बजट है, ये है, इन्होंने मुझे बताया, हमने टीम बनाई, टीम बना के और एक बहुत ही बेहतरीन एल्बम हमने शूट किया। तो अभी आगे का क्या प्लान किया है आपने? आगे का भी पोस्ट प्रोडक्शन पे चल रहा है, जैसे ही कंप्लीट होगा तो फिर हम किसी ना किसी बड़ी कंपनी को हम अप्रोच करेंगे और किसी बड़ी कंपनी में। एक्टर अच्छा गाना बनाया, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? उनको भी जितना ही बोले उतना ही कम है, बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, बहुत सीधे हैं और पैसा इतना खर्च किया इन्होंने क्या नहीं, वो सब फ्रेंड इसलिए तारीफ कर रहे हैं। नहीं मैं तारीफ के बिल्कुल काबिल नहीं, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ में इतना फ्रेंड हो जाता हूँ कि अगर सुमित जी मेरे पास जैसे आए थे इस प्रोजेक्ट को लेकर, हम लोग मरीन लाइन जैसे घूमने जा रहे थे, तो बोले यार कुछ करते हैं, बोले ठीक है करते हैं, बोले यार पैसा कहाँ से आएगा, और पैसे की चिंता नहीं करो, पैसा बहुत है मेरे पास, लगा दिए
अब सुमित सर ने क्या किया, उस पैसे को जो सही तरीके से यूज होता है, ऐसा नहीं कि पैसा बहुत उसको उड़ा दे, सही चीज सही लोगों के हाथ में आई। फिर जब सर से हम मिले तो सर बोल रहे थे कि बोलते हैं कि म्यूजिक सुनना है फिर बताते हैं। सर इतने अच्छे तरीके से हम लोग, क्योंकि इंसान का काम उसके व्यवहार से देखा जा सकता है वो कैसे व्यवहार करते हैं, और सर का व्यवहार मुझे एकदम घर के जैसा लगा, तो उन्होंने बोला नहीं हम बहुत अच्छे से काम करेंगे। फिर धीरे धीरे सब लोग जुड़ते गए। संजीव सर से तो मैं शायद फर्स्ट टाइम मिला था, और उनका जो काम करने का तरीका था एकदम बहुत जल्दी जल्दी, तो उस तरीके से हम लोगों ने इस चीज़ को रेडी किया। इसमें आर्टिस्ट का काम बहुत अच्छा रहा, जो मतलब और दो लड़कियां इसमें थी, अंजलि जी थी और पूनम जी थी, वो अभी शूट पे हैं केरला में, तो उन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। सर ने जो लिरिक्स थोड़े बहुत छूट गए थे उनको पूरा बहुत जल्दी कर दिया। सुमित जी के बारे में जितना बोलूं उतना कम है, उन्होंने जिस हिसाब से आप मतलब हम लोगों ने इसको जो तैयारी की थी, 21 तारीख को हम लोगों के माइंड में ये आइडिया आया था और 28 तारीख को हम लोग शूट पे थे, तो बंदा 4-5 दिन से सोया नहीं, वो काम करता रहा। मैं भी थोड़ा जागने की कोशिश करता था कि उसको यह नहीं लगा कि मैं अकेला काम करता हूँ, बोले नहीं तुम आर्टिस्ट हो तुम सो जाओ, नहीं तो सेट पे सोओगे तो फिर बुरा होगा। तो उन्होंने जिस हिसाब से मेहनत की, राइटिंग करना, उसको स्टोरी को अच्छे से डेवलपमेंट करना, सब चीज़ें अरेंज करना, क्योंकि पैसा खर्च करने वाले को लगता नहीं मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ कि पैसा दे रहा हूँ, जबकि उससे ज़्यादा काम होता है चीज़ों को अरेंज करना। तो पैसा तो हर कोई लगा देगा, लेकिन चीज़ों को, सही चीज़ों को अरेंज करना, और संजीव सर की वजह से इतनी प्यारी लोकेशन मिली है, इतनी प्यारी लोकेशन, बहुत अच्छे से हम लोगों ने वहाँ पे शूट किया। DOP सर का बहुत अच्छा काम था, सभी लोगों ने अपना काम बहुत फर्स्ट टाइम कर रहे थे कई लोग इसमें, लेकिन बहुत अच्छा काम किया उन लोग, लगा ही नहीं कि उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मुझे इस गाने से तो पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस काम में लोगों का आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, आप जो भी कोई काम कर रहे हो अगर आपको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई काम करना चाहिए, चाहे वो नौकरी हो, क्रिएटिव फील्ड हो, कुछ भी हो, आप अपने जॉब से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, आपको बहुत खुश होना चाहिए आप वो काम करते हुए। तो सभी लोगों ने इसमें वो चीज़ डाली हुई है। सुबह 4-5 बजे हम लोग लोकेशन पे पहुँचे, काम शुरू कर दिया तुरंत, और रात को शूट करते करते कोई भी थका नहीं, क्योंकि सबका मन लग रहा था काम में, बहुत अच्छे से काम किया उसने। माई नेम इज़ विवेकानंद सिंह, आई एम द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ दिस सॉन्ग। ओके, लेट मी क्लियर वन थिंग, सुमित एंड जागेश सिंह बोथ आर द सेम पर्सन, द डायरेक्टर। सो आई एम द चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ दिस डायरेक्टर सुमित। आई विल टेल यू स्टोरी अबाउट दिस सॉन्ग। Since he started his education, means I'm talking about the childhood story from 1 to 10, or you can say 12th or graduation time story. Once he started study, you can say the backbencher, he never work or he never work hard for the study and all. So he, since beginning, is a creative director. He started his career from Reliance Big M Pune with editing. Now he moved to, sometime he wanted to do acting, and finally he has producing as a director. Yes. A song. So how was your experience? It was a great experience, I can say, because the place which I visited for this shooting is Maroli, Gujarat. It's amazing. I request you all, please visit this place. It's a, you can, I can see it, the natural beauty is there. Once I visit there, really, I belong to a different industry. I'm from banking industry. This media industry is not at all is my cup of tea. But just because of my friend, I associated with this group, and really I love the atmosphere. I love the people. I love to see the teamwork they are doing. They're struggling very hard since beginning in the morning. The same energy at the evening at 9 p.m. They travel from Bombay to that location. It's almost take 2 hours. Some people travel through local train, some travel from whatever car and all, but everybody reach on time. And believe me, friends, if you wanted to see a teamwork, na, you can see her. And it's my faith on this song, it will be a blockbuster hit, I can say. That's all from my side.
It's a very critical question and tricky question. Okay. But yes, team is working hard on this. We expecting another 15 or 20 days we'll get the song on board. Thank you, sir.